मेरे पास एक फोन आया है रियलमी ओप्पो A3S A3S है, ठीक है, ये सेकंड लोगों में स्टैक हो रहा है। अच्छा, तो ये बताइए अभी इसके अंदर हम करने क्या वाले? सर इसके हम अंदर ये मैम से निकाल के प्रोग्रामिंग करेंगे और डेकली नॉलेज दिया पूरा। और टीचर्स ऐसा तो नहीं है कि अनजान मार दे रहे आपको, छोड़ दे रहे बता रहे हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, जो पूछे बताया आपको। जी सर जी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर में बहुत सारे एरर था जो वापस जाता था फ़ोन, तो अब नहीं जा पाएगा, बहुत सारे एरर बताएं तो फिक्स सर। अच्छा ये बताओ कि थ्योरी थ्योरी अगर पढ़ाते आपको 6-6, 8-8, 10-10 घंटे बिठा के, तो क्या आप ऐसे लेवल पे काम कर सकते? नहीं सर नहीं होता, दोनों चीज़ जरूरी, दोनों चीज़ 50% दोनों चीज़ जरूरी, थ्योरी भी चाहिए और क्या चाहिए, हैंड स्किल का काम। जी सर, कोई भी एक चीज़ में कमजोर रहेंगे तो फिर आपको दूसरे इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। जी सर जी सर। अच्छा मेरे को ये बताओ आप किसी और इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर नहीं, खुद कर लेंगे, कहीं और तो नहीं दिखेंगे फिर? नहीं सर, खुद कर सकते ना। बाकी यहाँ का सपोर्ट क्या है अभी आपको? यहाँ का सपोर्ट लाइफ टाइम सपोर्ट है, और उसके बाद भी अगर एक साल बाद भी आना चाहते तो आ सकते हैं, कोई फीस देना नहीं पड़ेगा, और डिग्री नॉलेज भी अच्छा है, ऑनलाइन का भी दिया आपको? हाँ ऑनलाइन का भी है, लॉगिन करके देगा। और दूसरे इंस्टीट्यूट से देखा हूँ सर मैं, दूसरे इंस्टीट्यूट से अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ खाली आप अकेलों से काम कराए कि जितने सारे बैठ के सबसे काम करें? सब सर, सब लोग करें काम। एक बार इनके लिए जोरदार क्लास, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास एक फ़ोन आया है रियलमी ओप्पो A3S है, ठीक है, ये सेकंड लोगों में स्टैक हो रहा है। अच्छा, तो ये बताइए अभी इसके अंदर हम करने क्या वाले? सर इसके हम अंदर ये MMC निकाल के प्रोग्रामिंग करेंगे। EMMC निकालेंगे अभी इसका ब्लैक पेस्टेड, और इजी अटैक से इसको प्रोग्रामिंग करेंगे, पहले तो देखेंगे हेल्थ में है या नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बताइए आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़। क्या नाम है आपका? तिरुपति साहू। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन ऑन है और इसी लोगों पे स्टक हो रहा है, इसके आगे जा नहीं रहा है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका अभी EMMC रिमूव करेंगे। तो निकालिए आप, तो जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट खुद EMMC निकालेंगे और उसके साथ EZX से प्रोग्रामिंग भी करेंगे। EMMC पीछे बैक साइड, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे SK हाइनिक्स का EMMC लगा हुआ है, और SK हाइनिक्स में सबसे ज्यादा बीमारी आने वाली क्या चीज है? हेल्थ की प्रॉब्लम ही है, सबसे ज्यादा EMMC के अंदर हेल्थ ही प्रॉब्लम आता है ना। तो अब यहाँ पे हम उसको रिमूव करेंगे, पहले तो साइड से ब्लैक पेस्ट उसका कट करेंगे, उसके बाद इसका EMMC रिमूव करेंगे, तो पूरा यहाँ पे ये स्टूडेंट काम करेगा।
रिवॉल्व हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इजी डेक में लगाएंगे, तो आइए यहाँ पे इजी डेक में लगा लो। तो बीजी 221 अडेप्टर में यहाँ पे नंबर तो लगाना है, तो वो तो लग चुका है। अब एमएमसी कैसे लगाना है, अंदर कैसे लगाएंगे 221 को? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे लगा लो, ठीक। तो अब यहाँ पे ढक्कन लगा लो उसका। अब इजी अटैक का टूल ओपन करना है, तो अब कौन सा वाला टूल ओपन करेंगे? इजी अटैक का टूल हमें प्लस वाला टूल ओपन करना है। कौन सा इसमें? प्लस। हाँ ठीक है, ओपन करिए। उसके बाद जैसे कि ये टूल ओपन हो जाएगा, जैसे कि ये टूल ओपन हो रहा है, तो अब यहाँ पे आईसी को पहले सेटिंग जो ऊपर आती है सेटिंग, ठीक है, डिटेक्ट करने वाली, तो वोल्टेज में कितना लेना है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी में वोल्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं करना, ठीक है, उसमें 1.8 है उसको वैसे ही रख देना, बाकी सब जैसे सब सही है, इस सॉकेट में है। अब सीधा एमएमसी चेक पे क्लिक करेंगे हम सीधा, तो आप देख सकते हैं यहाँ एमएमसी डिटेक हो गई है, और पहले सॉफ्ट पार्टीशन आता है, उसके बाद गेट फर्मवेयर वर्जन शो करेगा। अब यहाँ पे कभी आपको किसी में शो नहीं करेगा, तो उसका रीजन क्या है? जैसे कि यहाँ शो नहीं कर रहा है, माउंट फेल्ड आ रहा है, इसका रीजन क्या है? एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड 9 पॉइंट के अबाव अगर वर्जन होगा तो इसमें शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो फिलहाल शो कर रहा है, क्योंकि इसमें कितना वर्जन है, ठीक है, तो इसका मतलब सही है। लेकिन अब इसके अंदर प्रॉब्लम देखिए क्या लिख के आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ से स्क्रोल करिए ऊपर, स्क्रोल करिए ऊपर, आइए आइए ऊपर आओ। अब देखो यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम क्या बता रहा है, वार्निंग हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड, मतलब इसके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से ही ये एमएमसी का फर्स्ट लोगो या सेकंड लोगो पे स्टक है। तो एमएलसी का हेल्थ कितना हो चुका है? 90-100 डिवाइस परसेंट इसके अंदर हो चुका है, ठीक है। तो अब ये इसकी वजह से ही हमारा लोगो पे रिस्टार्ट होना या लोगो पे स्टक होना, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा था। अब इसको रिपेयर करना है, तो रिपेयर करने के लिए पहला स्टेप तो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, दूसरा स्टेप क्या है हमारा, डंप बैकअप करना। क्या करना है? डंप बैकअप। अब इसका डंप बैकअप मुझे करना है, एक्सक्लूड डंप रीड करना है मुझे, इसमें अगर फ्लैशिंग नहीं करना है, इसमें फ्लैश फाइल अवेलेबल है,
तो मुझे एक्सट्रूडम रीड करने के लिए कहाँ जाना है बताइए, आप ही बोलिए इनको। जिसे ईएमएमसी जनरल में है ऑलरेडी, उसके बाद रोम वन ले लेंगे। प्रीसेट में कुछ करना है क्या? नहीं। तो कहाँ जाएंगे उसके बाद? रीड बाय वेंडर, ठीक है। उसके बाद करिए क्लिक। तो ये एक्सक्लूड डम रीड करने वाला प्रोसेस है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें नेक्स्ट, यूजर डाटा को अनटिक करना है। तो यूजर डाटा कहाँ पे है? सबसे लास्ट में आएगा, नीचे हो गया। अब क्या करना है इसके ऊपर और क्या करना है? वेरी गुड, डायरेक्ट रीड ईएमएमसी पे क्लिक करेंगे, है ना। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना। अब उसके बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना है, जाके डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाओ, डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ पे आ गए और यहाँ एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब आप कोई भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपका खुद का नाम है खुद रखो, या फिर जो मॉडल का मॉडल है ईएमएमसी का ओप्पो A3s आप वो भी डाल सकते हैं। तो इन त्रिपति इनका खुद का नाम डाल रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पता है इसमें नाम हम किसका ले रहे, ठीक है। इन्हीं का नाम लेके A3s रख दिए। उसके बाद ओपन करेंगे और इसके बाद यहाँ पे ठीक है। तो अभी ये ओनली रोम वन रीड होगा, है ना। इसके बाद क्या करना है? रोम टू और रोम थ्री वन बाय वन करके रीड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक्सक्लूड हम रीड होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ स्पीड उसकी यहाँ पे बताइए आपको कितनी स्पीड से ये रीड कर रहा है, और टाइमिंग भी उसके बाजू में भी है कि 11 मिनट 10 मिनट 12 मिनट जो भी है उसकी स्पीड के हिसाब से वहां पे आपको वो शो करेगा। तो मिनिमम इसको 10 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे क्योंकि बड़ा फाइल है। एक्सक्लूड हम मतलब फ्लैश फाइल के साथ रीड हो रहा है। कैसे हो रहा है ये? अगर 500 बार आता तो उसमें फ्लैश फाइल आता क्या, या 1GB का नहीं आता? तो यहाँ पे वेट करेंगे, मिनिमम आपको 10 मिनट वेट करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम वीडियो को भी स्किप करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका हो रहा है फर्स्ट रोम वन जो रीड हो रहा है, तो हमने बीच में वीडियो स्किप किए थे क्योंकि इसको 10 मिनट लगने वाला था और वीडियो लंबा ना होने के लिए, इसके लिए हमने इसको स्किप किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये रोम वन पूरा तरीके से रीड होने वाला है और इसके बाद फिर हम रोम टू और रोम थ्री को भी रीड कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डन आ गया लिख के और इसके बाद ऑल डन लिख के आएगा। अभी तक वेट करेंगे और जब तक यहाँ पे ऑल डन लिख के नहीं आएगा जब तक हमें वेट करना है। तो ठीक है, यहाँ पे डन रीडिंग पार्टीशन हो गया। अब इसके बाद रोम टू को ले लो, ठीक है, ऑल डन आ गया यहाँ पे लिख के। उसके बाद अब रोम टू पे सिलेक्ट करो और उसके बाद रीड पे क्लिक करना। तो ये कहाँ पे सेव करेंगे आप? वही सेम फोल्डर में जहाँ पे रोम वन सेव किया हुआ, ठीक है, सेव करिए। अरे वही उसी में करो डबल। तो जैसे कि यहाँ पे रोम टू भी सेव हो गया है, वेट करना जब तक ऑल डन लिख के नहीं आता है, ठीक है। अभी भी पूरा हुआ नहीं है, वेट करना, ठीक है, ऑल डन आ गया। नेक्स्ट अब उसको रोम थ्री लेना है और रीड पे क्लिक करना है। तो जैसे हम रीड करते ही है सामने ही वो फोल्डर आता है, हमें बार बार वो बार बार फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं, ये फोल्डर हमारा होता है, सिर्फ सेव करना है। तो यहाँ पे अभी ये तीनों चीजें हमने रीड कर लिया। अब क्या ये हमारा कौन सा टर्म रीड हुआ? ये एक्सक्लूड टर्म क्या है? चलो ऑल डन हो गया, एक बार आइडेंटिफाई करो। तो जैसे कि आइडेंटिफाई करने के बाद एक बार डेस्कटॉप पे जाके हमारा जो डम रीड हुआ है कितने साइज में हुआ है, क्योंकि रीड करने में आपको यहाँ पे साइज शो नहीं करता, मिनिमाइज करो फोल्डर को। अब आपने फोल्डर बनाया त्रिपति A3s नाम से, तो आप देख सकते हैं रोम वन का साइज बताओ ऊपर लेके, उस पर माउस रखिए, 5GB और 42 कुछ MB है, मतलब जैसे कि 5.5GB का कुछ डम इसने रीड किया हुआ है जो कि एक्सक्लूड डम है, ठीक है। ये हमारे पास इसका डम रीड हो गया, सिक्योरिटी बैकअप रीड हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? रिपेयर प्रोसेस है। रिपेयर प्रोसेस में हम क्या क्या करेंगे बोलो सब लोग, फॉर्मेट करेंगे, उसके बाद हेल्थ रिपेयर कर लेंगे।
तो फॉर्मेट करने के लिए कौन से टैब में जाना है? एडवांस टैब। उसके बाद वेरी गुड, ठीक है करिए। तो यहाँ पे यस करना है, कंटिन्यू करना है आपने। देखो अब यहाँ पे अर्जेंट लिख के आने लगा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सक्सेसफुली हो चुका है। और एक बार आप उसको आइडेंटिफाई करिए वापस से। एक बार एएमसी ये होने के बाद वापस से एक बार एएमसी निकाल के ये अडेप्टर को भी निकाल के फिर से कनेक्ट करना है, ठीक है। क्या होता है कभी कभी आपको वापस से शो करता है हेल्थ प्रॉब्लम। एक बार अडेप्टर निकालेंगे, निकालो, हाँ टूल को क्लोज कर दो, फिर से टूल ओपन करेंगे अपन। वापस से सब डिसकनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करना है। बॉक्स को भी डिसकनेक्ट कर लो, बॉक्स को भी कनेक्ट करो, डिसकनेक्ट, ठीक है। वापस अब लगाओ, मैंने उसको निकाल दिया, डायरेक्ट बॉक्स पर लगाओ। अब वापस से टूल ओपन करिए, इजेडेक फोल्डर में जाएगा। तो वोल्टेज को 1.8 कर रहे हैं, 1.8। उसके बाद आइडेंटिफाई करो अभी एमएमसी को, तो देखते हैं यहाँ पे क्या शो करेगा एमएमसी के अंदर। सर अभी एमएमसी इरेज हुआ है, ठीक है। अभी हेल्थ एक बार हाँ रिपेयर करना है अभी। अभी हमने इसको क्या किया, अभी खाली इरेज किए, हाँ तो ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट का जाना है, हाँ एएमएमसी एसडब्ल्यू पार्टीशन में जाना है, क्योंकि अभी इसका पार्टीशन बनाना बाकी है। अब यहाँ पे देखो सारे बॉक्सेस आपको दिख रहे, आधे तो इसने लगा दिए नंबर है ना, और बाकी के चार हमें करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैं इसका शॉप पे मुझे ये टिक लगाने के बाद कहाँ पे है नीचे देखो, फाइनल राइट, हाँ वेरी गुड। आप देख सकते हैं नीचे एरर वो नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है यहाँ पे क्या हो गया भाई, अभी सब लोग बोलना, मैं आवाज आना। तो यहाँ पे जैसे कि हेल्थ रिपेयर का जो एरर आ रहा था, जो एरर आ रहा था हेल्थ का, अब नहीं आ रहा है। फिर भी एक बार हम इसका हेल्थ चेक करेंगे, कहाँ जाके एडवांस में जाके, कहाँ जाएंगे उसके बाद स्मार्ट रिपोर्ट पर, स्मार्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट रिपोर्ट पे आ जाएंगे, और आप देख सकते हैं वहां पे एमएलसी अब क्या हो गया, 0 to 10 आ चुका है। पहले कितना था, 90 to 100% इसके अंदर ये प्रॉब्लम शो कर रहा था, अभी इसका हेल्थ रिपेयर हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब जो डम हमने रीड करके रखे थे डेस्कटॉप पे, अब उसको राइट करेंगे। तो राइट करने के लिए क्या क्या करना है, तो आपको सबसे पहले राइट ऑल इमेंसी रीजन पे आपको क्लिक लगाना होगा, वेरी गुड। उसके बाद जैसे ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहले नंबर में क्या है, उसके अंदर आपको 3 dots में जाना है और रोम 1 को सिलेक्ट करना है, तो अपने फोल्डर में जाके करना है, वेरी गुड। इनपति A3S, उसके बाद रोम 1, जैसे आप रोम 1 को सिलेक्ट करते हैं बाकी के फाइल क्या हो जाते हैं, ऑटो सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद अभी इसको राइट करना है, क्या करेंगे राइट करने के लिए,
राइट ऑन राइट, एक बार क्लिक करो उस पे। जैसे सबसे पहले ये छोटे छोटे फाइल्स को राइट करता है, जैसे कि रोम 2 और रोम 3 सबसे छोटा है जो 4 MB का है। उसके बाद रोम 1 जो हमारा मेन यूजर एरिया होता है, बड़ा सा सारा डाटा उसमें ही होता है, फ्लैश फाइल और सिक्योरिटी फाइल्स, अब वो राइट हो रहा है। तो इसके अंदर उतना 7 मिनट लगेगा, आप देख सकते हैं पहले तो 10-12 मिनट ले रहा था, अब हेल्थ रिपेयर होने के बाद टाइमिंग कम होते चलेगी। देखो 6 मिनट बता रहा है, स्पीड और बढ़ते रह रही है, देखो स्पीड अभी बढ़ रही है, 14 MBPS हो चुका है, ये आपको 15, 16, 17 तक चला जाएगा स्पीड, और वहां पे टाइम कम होते रहेगा। तो 5 मिनट बता रहा है और कम हो रहा है टाइमिंग उसका। तो ये हेल्थ रिपेयर होने के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़िया हाँ, तो अभी ये और बढ़ते रह रहा है, 16 MBPS हो गया है और स्पीड बढ़ रही है। तो ये चीज योफाई के अंदर नहीं होता है, ऐसा यूपी में कम स्पीड होती है, फिर ज्यादा होती है, फिर कम होती है, स्टेबल नहीं रहता ये, इसकी स्पीड हमेशा आगे बढ़ती रहती है, स्टेबल में रहती है, लेकिन बैक पीछे नहीं आती कभी, ठीक है, डाउन स्पीड कभी नहीं होती इसकी। तो ये 4 मिनट हो गया, देखो इतनी जल्दी जल्दी इसका राइट हो रहा है। तो ये दोनों में बॉक्स के अंदर बहुत डिफरेंसेस है, ठीक है, यूपी बेस्ट है क्या? इजी जेड का बॉक्स बेस्ट है, कौन सा बॉक्स है? लेकिन अब बॉक्स अगर ना मिले तो क्या काम करना बंद कर दे? नहीं सर। तो वो टाइम पे हम क्या करेंगे? यूपी लेके काम कर लेंगे, है ना। अगर आपको मार्केट में मिल जाता है ये बॉक्स, जो भी रेट अभी मार्केट चल रहा है, तो आप पहले ये ले सकते हैं। अगर यूपी भी है और इजी अटैक भी दोनों मिल रहा है, तो आप सीधा सीधा यही लेना मार्केट से। अगर नहीं मिल रहा है तो यूपी से स्टार्ट कर सकते काम, लेकिन दोनों बॉक्स आपको चाहिए, याद रखिए दोनों बॉक्स आपको चाहिए ही चाहिए साथ में कभी भी काम करने के लिए। तो यहाँ पे कितना 3 मिनट बता रहा है, स्पीड देखो 17 MBPS हो गया है और बढ़ते रह रही है स्पीड, कंटिन्यू चालू है। जैसे कि अभी ये टाइमिंग हमारी कम हो गई है और अभी 30 सेकंड बता रहा है लेफ्ट, पूरा डम राइट होने में। उसके बाद ये MMC को हम क्या करेंगे, निकाल के फिर हम ये फोन में लगाएंगे और चेक करेंगे। अभी इसके अंदर हमने फ्लैशिंग वगैरह किया क्या? इसी के फाइल को हमने रीड किए, फ्लैश फाइल को, और इसी के अंदर हमने उसको राइट किए डम के जरिए से, है ना। आपके अंदर कोई अलग से फ्लैशिंग नहीं किए, अब सिंपली हम इसको फोन को MMC को लगाएंगे बोर्ड में और उसके बाद हम ऑन करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये डम राइट भी हो चुका है, अभी वेट करना है, ऑल डन आ गया। एक बार आइडेंटिफाई करिए MMC को, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्टीशन भी शो कर रहा है और सॉफ्ट पार्टीशन भी आ गया और हेल्थ भी हमारा नॉर्मल हो चुका है। तो अब एक बार MMC यहाँ से निकाल के अब हम इसको बोर्ड में लगा लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे सब ओके हो गया है, MMC निकालिए। और उसके बाद MMC लगाएंगे हम यहाँ पे, थोड़ा सा टचअप करना बाकी रह गया है, जो थोड़ा थोड़ा सा ग्लू यहाँ साइड साइड में है या ये साइड में है, थोड़ा सा इसको निकालेंगे, क्योंकि क्या होता है जब IC लगती है वो बीच में अगर आ जाता है तो वो साइड से IC बैठ नहीं पाता है ना, ऐसा भी होता है।
ओनर था उसे से। ठीक है यहाँ पे अच्छे से क्लीन हो गया। एक बार ब्रश खाली गिना गिना कर ऐसे खाली उसमें क्लीन कर दूँ। अब जिम से लगाओ यहाँ पे अच्छे से। साइड साइड के जो बाउंड्री है हानि क्या हो गया उसे अब हिट करो आराम से और लगा लो वो हो जाएगा खुद बहुत लग जाएगा। 350 यार ऊपर अब यहाँ पे एएमसी को हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे। साइड का जो दिख रहा है आपको मेल्ट हो चुका है थोड़ा सा हल्का से थोड़ा बेस्ट डालिए जरा बेस्ट कम हुआ होगा। ठीक है तो हिट करिए ट्विस्ट करिए बोर्ड तो थोड़ा सा ठंडा होने देंगे कूल होने देंगे थोड़ा फैन के ऊपर खड़े होके करिए सर। तो एक बार यहाँ पे बोर्ड लगा के देखते हैं और बोर्ड हमारा यहाँ पे कूल हो गया एक बार देखते चेक करते ठीक है अभी ऑन करके देखेंगे यहाँ पे फ़ोन। तो जैसे कि यहाँ पे लोगो आ गया एक बार इनके लिए क्लैप्स भाई। ठीक है तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लोगो आने के बाद आप देख सकते हैं सेकंड लोगो भी आ गया है दिखाओ एक बार फ़ोन में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड लोगो आ गया। जब ये फर्स्ट टाइम जो प्रॉब्लम आ रहा था एक एरर आ रहा था चाइनीज सर है ना एक एरर आ रहा था और ये सेकेंड लोगो पे स्टक हो जा रहा था ऐसे भी कुछ इसमें प्रॉब्लम था लेकिन अब इसके अंदर हेल्थ के बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन स्क्रीन आ गया एक बार देखो दिखाओ हाँ तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टच भी चल रहा है इसका मेन वर्क हाँ तो यहाँ पे हम इसको FRP बाईपास कर लेंगे। कोड डालिए एक बार *813S। ठीक है तो देखते हैं हमारा फ़ोन पूरा ऑन होगा ओके करो
ठीक है, ऑन हो रहा है, वेट करिए। पीछे से बैटरी हिल गया है, हाँ ऑन हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आ गया है, एक बार इनके लिए ठीक है। नितिन बताओ आप कहाँ से? सर मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक में कहाँ से? कर्नाटक में गदग डिस्ट्रिक्ट है सर। अच्छा, कब से काम कर रहे थे आप? मैं इस फील्ड में आके 1.5 साल हुआ सर। 1.5 साल होने के बाद भी मैं एक लेबर, मतलब एक हार्ड वर्क कर रहे थे। हाँ, काम करने वाले से वो शॉप में 50-50% में मैंने रखा था। तो मेरे को 6-8 महीने से उसको आप पेमेंट देना पड़ता था, और मेरे को सीखने के लिए बहुत कोशिश, कोई सिखाते नहीं सर। तो मुझे इसलिए कुछ कोई इंस्टीट्यूट जाने का बहुत मेरा को ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने फ़ोन फिक्स हैदराबाद में मैं आया सर। यहाँ क्यों आया? इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वहाँ नहीं सर। यहाँ पे देखो सर, इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे जो मैंने बहुत सारे गूगल पे सर्च किए सर, कहीं पे कुछ फेक रहते हैं। कभी मैं छः महीने तक मैंने बहुत रिसर्च किया सर, बाद में मैंने एक लास्ट मिनट पे आके फ़ोन फिक्स हैदराबाद में आके मैंने एक निर्धार किया सर पे यहाँ पे आने का। जो सोच के आए थे मिला आपको? हाँ, मैंने जो सोच के आया उसे काफ़ी मिला है सर, क्योंकि मैं 10-20% ही काम कर सकता था सर। अभी मैं 60-70-80 तक मैं जा रहा हूँ सर। अपने आप को परसेंटेज आप ही दे रहे हैं? हाँ, मेरे से बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं ना, जो भी बोल रहे हैं मेरे दिल से मन से बोल रहा हूँ मैं, किसी के कहने पे। कोई आना चाहे यहाँ क्या बोलना? ज़रूर आइए सर, और यहाँ पे सर का, तीनों सर का बहुत योगदान है, बहुत अच्छा है, और सबसे योगदान तीनों सर का है। और कोई भी आके यहाँ पे ये नहीं सोच, मैं पहले दिन यहाँ आके ये सोचने वाला था क्या होगा, मैं खुद मेरे को मैं 10-15% ही काम करता तो मैं कैसे सीखूँगा, कि कोई 10 साल से आ रहा है, कोई 5 साल से आ रहा है, कोई 4 साल से आ रहा है, तो मुझे एक डाउट था क्या होने वाला है। तो वो जैसे वह डे बाय डे एक से एक दिन गुजरता गया, तो मेरे को ऐसा लगा भाई हाँ मैं कुछ ही कर रहा हूँ। मैं डेली और रात को भी मैं डायग्राम बनाता था सर। सीखने के मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंस्टीट्यूट वाले आपको एकदम से नहीं से, अगर आप मेहनत करोगे तो आप कुछ बन पाओगे। के साथ स्टूडेंट को भी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग फेयर नोट्स बनाए, मैं देखा, मैं बहुत अच्छे बनाए, अभी शायद नहीं होगा आपके पास, बहुत सारे स्टूडेंट बनाए ना इसमें से, तो वो फेयर नोट्स जो बनाए डायग्राम क्यों बनाए भाई, रीज़न बताओ सर। उसमें सबसे ज़्यादा सप्लाई जो अगर एक भी अगर मिस हो जाए तो आपकी लाइन कट हो जाती है। पैरेलल कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीरीज कंपोनेंट, मेरे को ये सब नॉलेज नहीं था सर, यहाँ आने के बाद मैं सब जान पाया हूँ सर। सीरीज क्या है, पैरेलल क्या, सीरीज कंपोनेंट क्या है, डाटा शीट कैसे बनाना है? हाँ सर, ये चीज़ यहाँ समझ में आई। हाँ, नहीं तो मेरे को मदरबोर्ड देख के तो मेरे को एक अजीब महसूस, मेरे को कंपोनेंट ही मालूम नहीं होता था सर। मैं यहाँ आके बहुत कुछ सीखा हूँ सर। जो बोल रहे दिल से बोल रहे, मेरे अपने मन से बोल रहे, जो बच्चे देख रहे हैं वो भी आपके जैसे ही होंगे। हाँ, वो अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं कि मैं भी ऐसे ही, अभी पीसीबी को देखने का नजरिया बदल गया, अभी अलग, अभी तो मालूम पड़ जाए ये DC to DC, ये पावर IC है, CPO है, MMC है, जो भी है, मैं एकदम से WP 2GPA है, 4GPA है, इतना नाम ही मालूम नहीं था सर मेरे। वाह क्या बात है, 20 दिन का ये असर है। हाँ, आप 20 दिन से सबके साथ रह रहे, टीचर्स के साथ रह रहे, सीख रहे, आप वो खुद से निकल जाता। हाँ, जब आप किसी चीज़ के साथ टाइम गुजारते, वक्त गुजारते, तो उसके बारे में मालूम भी हो जाता आपको, है ना। तो आज आप एक एक ICO का नाम बोल रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ICO का तो नाम बोल रहे हैं आप, क्या इतने ICO के अंदर कितना वोल्टेज इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होना बता सकते हैं? हाँ सर, 3.3 वोल्ट है सर। खाली बस यस सर नो में बता। यस सर कौन सी IC नहीं पूछ रहा हूँ मैं। यस सर, VPH लाइन के बारे में बता चला आपको? यस सर, बक लाइन हो गया, LDO लाइन, हमको इतना मालूम नहीं, जैसे 4 वोल्ट मालूम होता उसको मालूम नहीं, उसको क्या नाम वीबस बोलते हैं, वीबैट किधर जाता है, वो इतना थर्मल पैड क्या है, इतना मेरे को मालूम नहीं था सर, सब यहाँ आने के बाद सीखा हूँ। वाह, तभी क्या लेवल पे चले गए आप? मैं बोल अभी एक लेवल पे आया हूँ, और भी मेरे को बहुत मेहनत करना है सर, आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा। वेरी गुड, वेरी गुड, यही सोच होनी चाहिए, और मेहनत करना है और आगे बढ़ना है और सीखते ही रहना है। और तीनों सर से बहुत अच्छा योगदान मिला है सर, मॉर्निंग आपके साथ, फिरोज सर के साथ, दोपहर से लेके फिर शाम तक
15 दिन तक मेरे को सागर सर ने सिखाया, यहाँ बैठ के बहुत मेहनत किया सर। फिर लास्ट के 5 डेज तो तौसिक सर तो अलग ही एंटरटेनमेंट के साथ, मतलब इतना सॉफ्टवेयर में मैं कभी सॉफ्टवेयर किया ही नहीं, मेरे अभी कुछ सामान में नहीं करी रहे, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ एक दिन तौसिक सर मेरे को आगे बुला के प्रैक्टिकल मेरे को एक सॉफ्टवेयर करा के दिखाया, मैं करके दिखाया सर। हाथ से करे खुद, हाथ से खुद के हाथ से। वाह क्या बात है, एक बार 2000 क्लास में इनके लिए। थैंक यू वेरी मच।